In this session, we will discuss another very important component of the brain, or we can say division of brain, that is midbrain and hindbrain. तो इस वीडियो में हम लोग मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों ही पार्ट को कवर करने वाले हैं. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आपसे मिस ना हो. तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं मिड ब्रेन को. तो क्लास 10th के लेवल पे मिड ब्रेन को बहुत ज़्यादा इलाबोरेट तो किया नहीं गया है, बट मिड ब्रेन को हम एज इट इज ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं. वी हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मिड ब्रेन, एंड दैट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मिड ब्रेन इज ऑप्टिक लूप. Okay, so this is the component of midbrain. एक और component भी होता है इसका, cerebral peduncles, but 10th के level पे सिर्फ इसे ही समझना important है. तो optic lobe two components में divided है, ठीक है. Actually ये जो lobe है ये एच shape lobe होता है. इसमें two large upper lobes जिसको हम superior lobes कहते हैं, और two small इन्फीरियर लोब्स, ठीक है. तो दो लार्ज सुपीरियर लोब्स आपको दिख रहे हैं और दो लार्ज इन्फीरियर लोब्स, ठीक है. तो टोटल आपके पास फोर लोब है, टू सुपीरियर लोब्स एंड टू इन्फीरियर लोब्स, ठीक है. टू सुपीरियर एंड टू इन्फीरियर लोब्स. और सुपीरियर लोब्स के फंक्शन की बात करें तो ये हमारे ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है. तो जितने भी साउंड्स हम सुनते हैं उसकी मेमोरी, उसका डिटेक्शन मिड ब्रेन का ऑप्टिक लोब का सुपीरियर लोब ही करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है. एंड इन्फीरियर लोब्स का मेजर फंक्शन है ये विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है. क्लियर ना? बस ये छोटा सा आपका मिड ब्रेन का पोर्शन है. चलिए अब आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, हाइंड ब्रेन. क्योंकि हाइंड ब्रेन के जो कंपोनेंट्स हैं ना वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है. तो हाइंड ब्रेन खुद में थ्री कंपोनेंट्स को लेके बना हुआ है, ठीक है. चलिए पहले इनके कंपोनेंट्स देखते हैं. तो हाइंड ब्रेन का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो आप ये देख रहे हैं ना, ये जो ब्रेन सेरिब्रम के नीचे जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये जो पूरा पोर्शन है दिस इज नोन एज सेरिबिलम. तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपके हाइंड ब्रेन का, ठीक है. सेरिबिलम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन. उसके बाद जो ये आप देख रहे हैं जो प्रोजेक्शन बाहर निकला हुआ है इसको बोलते हैं पॉन्स वेरोलाई, ठीक है. पॉन्स वेरोलाई का जो एक्सटेंशन आप देख रहे हैं ना, ये है मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा. तो ये थ्री कंपोनेंट्स हैं आपके हाइंड ब्रेन के. चलिए पहले हम लोग सेरिबिलम को समझेंगे. तो सेरिबिलम की लोकेशन जस्ट बिलो द सेरिब्रम है, और इसे सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन भी माना गया है, और इसे लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है. तो इट्स ए सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से समझना है आपको. सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन. नंबर टू इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज ए लिटिल ब्रेन, ठीक है. छोटा दिमाग सुना होगा आप लोगों ने. और एक डिफरेंस अगर आप सेरिब्रम और सेरिबिलम के बीच में देखें तो सेरिब्रम कन्वल्यूटेड है, सेरिबिलम में कन्वल्यूजन्स नहीं होते हैं. ओके, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इट हैज नो कन्वल्यूजन्स. कन्वल्यूजन्स तो नहीं है बट हाँ छोटे छोटे डिप्रेशंस बहुत हैं. तो कन्वल्यूजन्स तो नहीं है बट फरोज बहुत हैं. ओके, बट न्यूमरस फरोज है यहां पे. तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां कन्वल्यूजन्स नहीं है, ये डिफरेंस बन जाता है सेरिब्रम और सेरिबिलम का, बट यहां पे न्यूमरस फरोज है. चलिए, सेरिब्रम दो हाफ में डिवाइडेड था सेरिब्रल हेमिस्फीयर में. सेरिबिलम भी टू हाफ में डिवाइडेड है, मगर जो सेरिबिलम को डिवाइड करता है वो मीडियन पार्ट कुछ ज्यादा ही ब्रॉड है, इसलिए सेरिबिलम के थ्री सर्फेस बनते हैं. एक तो टू हेमिस्फीयर बनता है और जो मीडियन पार्ट है दैट इज वर्मिस. तो ये पूरा जो पोर्शन है सेरिबिलम का इट इज डिवाइडेड बाय, ये आप जो देख रहे हैं ना सेंटर में लाइन, ये टू हाफ में इसको डिवाइड करता है, और ये इसका थर्ड सरफेस भी बनता है. इस थर्ड सरफेस को हम बोलते हैं वर्मिस, ठीक है. तो ये आपको मिस नहीं करना है कि सेरिबिलम के भी
टू पोर्शन है, तो इट इज डिवाइडेड इंटू टू हाफ. ओके, डिवाइडेड इंटू टू हाफ और बाय वर्मिस. ओके, बाय वर्मिस. तो इट हैज थ्री सर्फेस. ठीक है, तो इट हैज थ्री सर्फेस. तो थ्री सर्फेसेस कौन से बनेंगे? एक तो बनेगा टू सेरिबिलर हेमिस्फीयर. ठीक है बेटा, टू सेरिबिलर हेमिस्फीयर और एक बनेगा आपका वन मीडियन वर्मिस. चलिए, यहां भी कोई इश्यू नहीं है. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है रिलेटेड टू सेरिबिलम, कन्वोल्यूशंस तो है नहीं, यहां भी आउटर सरफेस जो है वो ग्रे इन कलर है, तो आउटर इज ग्रे मैटर. ग्रे मैटर बिकॉज ऑफ साइटोन ऑफ न्यूरॉन, कोई इशू नहीं. इनर जो है वो व्हाइट मैटर है, यहां पे भी कोई इशू नहीं. मगर व्हाइट मैटर यहां पे ब्रांचिंग ऑफ ट्री लाइक पैटर्न शो करता है. इसी ब्रांचिंग ऑफ ट्री लाइक पैटर्न को आर्बर वाइटे बोलते हैं. ठीक है, तो इस तरह से ब्रांचेस बनी होती हैं व्हाइट मैटर की, तो इन ब्रांचेस को आर्बर वाइटे बोलते हैं. ओके, तो व्हाइट मैटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचिंग ऑफ ट्री, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचिंग ऑफ ट्री लाइक पैटर्न. जैसे ब्रांचेस होती हैं ट्री की, वैसे ये प्रेजेंट होता है, ब्रांचिंग ऑफ ट्री लाइक पैटर्न. तो इस ब्रांचिंग ऑफ ट्री लाइक पैटर्न को आर्बर वाइटे बोला जाता है. ओके, तो ये आपका आर्बर वाइटे कहलाता है. चलिए, ये पॉइंट भी क्लियर. अब सेरिबिलम की सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करें तो ये हमारे बॉडी के मसल्स को रेगुलेट करता है. ओके, तो इट रेगुलेट्स द मसल्स ऑफ योर बॉडी. और अगर ये मसल्स को रेगुलेट कर रहा है ना, इट रेगुलेट्स द मसल. अगर ये मसल्स को रेगुलेट कर रहा है तो ये मेंटेन करता है बॉडी बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर. ठीक है, तो इट मेंटेन्स बॉडी बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर. तो बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर ये चीजें हैं क्या, इसे भी समझ लेते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप खड़े होकर चलना स्टार्ट करते हो तो ये प्लानिंग आपका सेरिब्रम करता है दैट यू हैव टू स्टैंड इरेक्ट, बट देन यू हैव टू वॉक. तो यहां पे आपके मसल्स का कोऑर्डिनेशन ब्रेन के साथ बहुत जरूरी है और ये कोऑर्डिनेशन सेरिबिलम करता है. इसीलिए जो अल्कोहलिक पर्सन है उसमें अल्कोहल पहले लीवर को टारगेट करता है, जहां पे लीवर सिरोसिस या फैटी लीवर सिंड्रोम बनता है. उसके बाद लीवर के बाद अल्कोहल आपके सेरिबिलम को अफेक्ट करता है, इसीलिए पर्सन को अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद डिफिकल्टी होती है वॉक में एंड टॉक में. टॉक मतलब बोलने में भी वो लड़खड़ाता है और चलने में भी वो लड़खड़ाता है. तो डिफिकल्टी इन वॉक एंड टॉक ड्यूरिंग द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड इट इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन द सेरिबिलम. सेम चीज यहां पे भी है. क्लियर ना? तो सेरिबिलम के फंक्शन में बॉडी बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेरिबिलम के बाद जो सेकेंड पार्ट है आपके हाइंड ब्रेन का, वो है आपका पॉन्स वेरुलाई. ठीक है, तो पॉन्स वेरुलाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको मैं अब बताने जा रहा हूं, वीडियो को देखते रहें. चलिए, अब आते हैं पॉन्स वेरुलाई पे. तो पॉन्स वेरुलाई एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है हाइंड ब्रेन का, क्योंकि पॉन्स वेरुलाई पे रेस्पिरेटरी सेंटर होता है. ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रेस्पिरेटरी सेंटर हमारी ब्रेन में कहां लोकेटेड है, तो इट इज ऑन पॉन्स वेरुलाई. ठीक है, तो इट इज लोकेटेड ऑन पॉन्स वेरुलाई. तो यानी पॉन्स वेरुलाई पे रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं. नंबर टू, सेरिब्रम को कनेक्ट करने के लिए, सेरिब्रम जो लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन है उसको कनेक्ट करने के लिए कॉर्पस कैलोसम है. सेरिबिलम के सरफेस को कनेक्ट करने के लिए पॉन्स वेरुलाई है. ठीक है, तो सेरिबिलम को कनेक्ट करने के लिए पॉन्स वेरुलाई का होना मस्ट है. तो इट कनेक्ट्स टू हाफ ऑफ
सेरिबिलम। तो सेरिबिलम को ये कनेक्ट करता है, प्लस ये इंटरकम्युनिकेटिंग कैविटीज को भी कनेक्ट करता है, ठीक है। इट ऑल्सो कनेक्ट्स इंटरकम्युनिकेटिंग जितने भी पार्ट हैं ब्रेन के अंदर, इन सबका कनेक्शन पॉन्स वेरुलाई करता है, कनेक्ट्स इंटरकम्युनिकेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रेन। ओके, समझ में आ गया आपको? पॉन्स वेरुलाई की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई ना? रेस्पिरेटरी सेंटर है भैया आपका वहां पे, और टू सेरिब्रम हेमिस्फेयर को कनेक्ट करता है, सेरिब्रम को कॉर्पस कैलोसम, सेरिबिलम को पॉन्स वेरुलाई। ये आप दोनों चीजें एकदम रट लें, कॉर्पस कैलोसम एंड पॉन्स वेरुलाई दो हाफ कनेक्ट करते हैं, कॉर्पस कैलोसम फॉर द सेरिब्रम एंड पॉन्स वेरुलाई फॉर द सेरिबिलम। ये भी क्लियर? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, दैट इज मेड्यूला ऑब्लेंगेटा। तो मेड्यूला ऑब्लेंगेटा ब्रेन स्टेम का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। ये पूरा पोर्शन देख रहे हैं ना, इसको ब्रेन स्टेम बोला जाता है। तो इट्स अ कंपोनेंट ऑफ ब्रेन स्टेम। और मेड्यूला ऑब्लेंगेटा की अगर बात करें ना, तो ये ब्रेन का सबसे पोस्टीरियर पार्ट है, सबसे पीछे वाला पार्ट, सबसे नीचे वाला पार्ट। तो इट्स अ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। और मेड्यूला की इंपॉर्टेंस ये है कि जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स के रिसेप्टर्स हैं सब मेड्यूला पे हैं। तो सारे इनवॉलंटरी एक्शंस कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला। दैट्स व्हाई इंजरी टू मेड्यूला लीड्स टू डेथ इमीडिएटली। ओके, तो इट कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर्स, कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर्स ऑफ ऑल इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। टेंथ में बहुत ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स आपको बहुत स्ट्रांग रखना है, इससे ज्यादा आपका सिलेबस नहीं है, तो स्कोप ऑफ सिलेबस को आप नहीं छोड़ सकते। ओके, तो कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन, हेंस कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन। ओके, हेंस कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस। तो जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं वो मेड्यूला कंट्रोल करता है। ओके, तो इनवॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला, वॉलंटरी बाय सेरिब्रम, इनवॉलंटरी बाय मेड्यूला, एंड हेंस इंजरी टू मेड्यूला लीड्स टू डेथ इमीडिएटली। ओके, इंजरी टू मेड्यूला लीड्स टू डेथ इमीडिएटली। क्लियर हुआ आपको? तो एक चीज मैं और बताना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट है इमीडिएटली। ओके, वो ये कि मेड्यूला ही स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्म में कंटिन्यू हो जाता है जब वो स्कल के नीचे फोरामन मैग्नम को क्रॉस करता है। तो इट फॉर्म्स द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, इट फॉर्म्स कंटिन्यूएशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन along with functions, along with anatomy, I hope ये topic भी आपको easily समझ में आया होगा।